हेलो मैकेनिक भाइयों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। तो अभी मेरे पास है होंडा की SP125 OBD2 वाली गाड़ी। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर OBD होता क्या है, E20 क्या होता है। उसके बाद हम रिपेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और देखेंगे कि इस गाड़ी में क्या कुछ नए चेंजेस किए गए हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये दो दो ECU दिया गया है, तो ये ECU है कि क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा इस गाड़ी में तीन नए कोड ऐड किए गए हैं, तो वो कौन से नए कोड हैं उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक। तो मैकेनिक भाइयों, OBD का फुल फॉर्म होता है ऑन बोर्ड डायग्नोसिस। ऑन बोर्ड मतलब कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर या बोर्ड, और डायग्नोसिस का मतलब होता है पता लगाना। तो गाड़ी को किसी ऐसे कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना जिससे हमें इंजन का ओवरऑल परफॉर्मेंस पता चल सके, लाइक एग्जॉस्ट से कितना ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, जितने भी सेंसर और एक्चुएटर गाड़ी में लगे हुए हैं कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इसको पता लगाने के लिए ही OBD2 बनाया गया है। दोस्तों, इसके बाद मैं BS6 क्या है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो BS6 का फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज 6, जिसको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। ये एक प्रकार से एमिशन स्टैंडर्ड है, या कहें तो एक उत्सर्जन मानक है, जिसके अंतर्गत इंजन से निकलने वाला प्रदूषण कम से कम होना चाहिए या एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इंडिया में BS4 के बाद डायरेक्ट BS6 आया 1 अप्रैल सन 2020 को, जो OBD1 था। और अभी 1 अप्रैल सन 2023 के बाद से जो गाड़ियां आ रही है वो OBD2A वाली है। तो मैकेनिक भाइयों, जब आप गाड़ी का लेफ्ट साइड वाला पैनल खोलेंगे तो सबसे बड़ा चेंजेस आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये है ACG कंट्रोलर। तो गाड़ी को सेल्फ से स्टार्ट करना और बैटरी को चार्ज करना दोनों में ही इसका रोल है। और ये है ECU, तो ECU जितने भी सेंसर और एक्चुएटर गाड़ी में लगा हुआ है उसको कंट्रोल करेगा। तो OBD2 वाली गाड़ी में दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, और जो पहले की गाड़ियां आती थी उसमें सिंगल ECU होता था, वो OBD1 वाली गाड़ी थी, तो उसमें बैटरी को चार्ज करना और गाड़ी को सेल्फ से स्टार्ट करना दोनों काम ECU ही करता था। इसके अलावा सेंसर और एक्चुएटर को कंट्रोल करने का काम ECU ही सिंगल करता था। तो OBD1 वाली गाड़ी में जिसमें सिंगल ECU आता था, उसमें जो ECM है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, लाइक फ्यूज उड़ने वाला। तो इसीलिए कंपनी ने अभी इसको दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। तो होंडा की अब जितने भी OBD2 वाली गाड़ियां आएंगी उसमें आपको एक ACG कंट्रोलर और एक ECU दोनों अलग अलग देखने को मिलेगा। यहां पर मैं वायरिंग का आपको थोड़ा सा डिटेल भी बता देता हूं। देखिए आप, ये जो ACG कंट्रोलर है उसमें दो वायर आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर का वायर अर्थिंग के लिए है, और ये जो मोटे रेड कलर में व्हाइट लाइनिंग वाला वायर है ये डायरेक्ट फ्यूज बॉक्स से आया हुआ है। इसके अलावा ये जो तीन वायर वाला कपलर आप देख रहे हैं ये ACG कॉइल का है। इसके अलावा यहाँ पर आप अंदर की ओर देखेंगे तो ये देखिए, ये छह जो वायर वाला है ये है ACG कॉइल के CKP सेंसर जो लगा है उसका वायर है। और इसके अलावा ये वाला जो वायर है वो है इसके साइड स्टैंड सेंसर का, और ये वाला जो वायर है वो है गियर पोजीशन इंडिकेटर जो स्विच लगा हुआ है उसका। इसके अलावा और कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किया गया है, वही फ्यूल पंप है, वही इंजेक्टर है, ये देखिए थ्रोटल बॉडी भी सेम है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं किया गया है। और मैकेनिक भाइयों, जब आप गाड़ी का राइट साइड वाला पैनल खोलेंगे तो दूसरा बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा इसके फ्यूज बॉक्स में। तो यह है इसका फ्यूज बॉक्स, ये 15 एम्पियर का मेन फ्यूज है, ये 7.5 एम्पियर का बैकअप का फ्यूज है, ये 15 एम्पियर का एक स्पेयर का फ्यूज दिया गया है, एक्स्ट्रा फ्यूज है, 7.5 एम्पियर का मीटर का, 7.5 एम्पियर ये हेडलाइट के लिए, और ये फिर से एक एक्स्ट्रा फ्यूज दिया गया है 7.5 एम्पियर का, और यह है 7.5 एम्पियर का ECU और FI दोनों का फ्यूज साथ में दिया गया है। और ये है 40 एम्पियर का स्लो ब्लो फ्यूज। तो बैटरी को चार्ज करना और गाड़ी को सेल्फ से स्टार्ट करना दोनों में ही इस फ्यूज का रोल होता है। ये यहाँ पर देखिए आप, एक्स्ट्रा स्लो ब्लो फ्यूज भी दिया गया है।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो नया कोड ऐड किया गया है उसके बारे में। तो 19 नंबर का कोड सीकेपी सेंसर का कोड होगा, 133 नंबर का कोड मिस फायर के लिए और 142 नंबर का कोड सीकेपी पल्स लर्निंग के लिए होगा। इसके अलावा एक और कोड आपको OBD2 एक्टिवा वाली गाड़ी में देखने को मिलेगा, वो है 66 नंबर का कोड, जो गियर बॉक्स के पीछे स्पीड सेंसर लगा होता है उसका कोड होता है। तो इसमें से कोई भी कोड अगर गाड़ी में आता है OBD2 वाली गाड़ी में तो इसको आप आसानी से डिलीट नहीं कर पाओगे। इसको डिलीट करने के लिए अलग सा प्रोसेस होता है जिसको क्रैंक पल्स लर्निंग और क्रैंक पल्स इनिशियलाइज लर्निंग बोलते हैं। हालांकि बहुत छोटा प्रोसेस है लेकिन प्रोसेस अगर मालूम नहीं होगा तो आप डिलीट नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।